हाँ टर्बो लैग काफी है गाड़ी के अंदर, काफी ज्यादा पंजा प्रेस करने पे अब उठनी शुरू की। थोड़ी चर्चा भी कम बनी है इन गाड़ियों की, जो N9 सीरीज है ना। जैसे अगर हम मोटर्स की बात करें वो बिकती 1000-1200 गाड़ियां है, लेकिन उसकी इंटरनेट पे चर्चा बहुत है जो GT है उसकी। अब जैसे कि आप पंजा दबाया तो स्पोर्ट्स डालते ही गाड़ी की सौ पहुंचने वाली बदल गई। बस ये है कि हाँ कि 90 के आसपास जाके हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज आपके लिए गाड़ी का ड्राइव रिव्यू लाए हैं। भाई गाड़ी कौन सी है आपने बहुत कम देखी होगी, क्योंकि गाड़ी नाम तो सबने सुना है, बिकती भी बहुत है, लेकिन जो उस गाड़ी का ये वाला मॉडल है ना वो बहुत कम बिकता है, या फिर कहो बहुत सिलेक्टिव बायर्स लेते हैं, तो उसके ड्राइव रिव्यू भी आपने ज़्यादा नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको बिना किसी देरी की गाड़ी जो है आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कौन सी गाड़ी। तो दोस्तों ये है वो गाड़ी जिसका आपके लिए ड्राइव रिव्यू लाए हैं। भाई ये कोई आम वेन्यू मत समझना, ये है N9। इसका ज़रा आपको भौकाल दिखाते हैं, जरा ग्रेस देना, एग्जॉस्ट दिखाना इसका। ये देखो भाई इसका भौकाल दिखाते हैं, बहुत तेरी। ये देखो भाई भौकाल पूरा टाइट है, फुल रिपोर्ट। ये देखो भाई पूरा भौकाल टाइट है, ओए होए होए क्या बात है, पूरा भौकाल टाइट है। तो दोस्तों वेन्यू N9 का आपके लिए ड्राइव रिव्यू लाया है। 1 लीटर का इंजन आता है, टर्बो इंजन। ये वही इंजन है दोस्तों जो आपको i20 टर्बो या i20 N9 में देखने को मिलता है, जो कि 120-118 BHP देती है, पावर प्रोड्यूस करती है, 120 कह सकते हैं, एंड 172 Nm का टॉर्क जो है प्रोड्यूस करती है। अगर मैं बताऊँ कि कौन से कंपटीशन में आती है, मतलब इसके कंपटीशन की कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, तो आप कह सकते हैं कि नेक्सॉन XUV300 एंड इसी की बहन किया सोनेट, इसी की कंपटीशन की गाड़ियाँ हैं। ये तो खैर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है N9। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वेन्यू N9 के अंदर, तो देखते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले तो बताओ वाइब्रेशन कैसी लग रही है 3 सिलेंडर की? कुछ पता ही नहीं चल रही, कोई वाइब्रेशन नहीं पता चल रही ना, थैली वैली की आवाज ही आ रही है, थैली की आवाज आ रही है, कोई रैटलिंग नॉइज भी नहीं। और एसी तो भाई साहब इतना कमाल का एसी है ना, जैसा कि तारीफ की देखो, मतलब हुंडई तो भाई इस चीज के लिए मशहूर है, हुंडई हो गई, टाटा हो गई, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग है, क्योंकि सड़क जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं काफी खराब सी सड़क है, लेकिन उसके बाद भी इतना फील नहीं हो रहा है। गाड़ी ऊंची ऊंची भी काफी फील हो रही है, पूरी ऐसे भी फील है, अच्छा खासा स्टीयरिंग में भी वेट है। इसमें पेट्रोल कौन सा डलवा रहे हैं? मैं X95 प्रीमियम डलवा रहे हैं। ओके ओके, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है उससे। ब्रेक्स बहुत अच्छी है, कितनी ऊंची लग रही है, बट ये है कि हाँ टर्बो लैग काफी है गाड़ी के अंदर, काफी ज्यादा पंजा प्रेस करने पे अब उठने शुरू। अब आप स्पोर्ट्स मोड पे एक बार डालोगे, कैसे डालते हैं रुक जाओ, अभी पहले थोड़ा डी में चला लें, उसके बाद देखते हैं। शुरू में थोड़ा सा इसमें जो है टर्बो लैग है, बाकी उसके बाद बिल्कुल ओके है। बाकी स्टीयरिंग पे बड़ा अच्छा वेट है, स्पोर्ट्स का होती है। काफी अंडररेटेड सीरीज रही है हुंडई की, ये जो N9 है ना, ये इन्होंने बहुत किया है लोगों ने, ये इन्होंने i20 से शुरू करी थी, लेकिन इतनी फेमस नहीं हो पाई है। प्राइस पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल गाड़ी से इनकी जो है उससे ऊपर चला जाता, तो फिर वो बायर थोड़ा कम रह जाता है दक्षिण, मतलब टॉप एंड मॉडल का। थोड़ी चर्चा भी कम बनी है इन गाड़ियों की, जो N9 सीरीज है ना। जैसे अगर हम मोटर्स की बात करें वो बिकती 1000-1200 गाड़ियां, लेकिन उसकी इंटरनेट पे चर्चा बहुत है, जो GT है उनकी। ब्रेक्स लाजवाब है, ब्रेक्स काफी अच्छी है, शोर मचा रही है, लेकिन ये नहीं है, पावर भी आ गई है गाड़ी में, टर्बो रेंज में आके एकदम, टर्बो रेंज में आके एकदम। स्टीयरिंग कैसा लग रहा है? वेट तो है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि वेट ना जबरदस्ती का टाइट कर रखा है। जो हुंडई का जो फीडबैक होता है ना, वो मतलब आपको महसूस होता है कि टायर को आप बहुत पूरा घूमता हुआ आपको महसूस होता है कि टायर पूरा घूम रहा, मतलब जैसे हुंडई की गाड़ियों का होता है वैसा। हाँ, वैसा ऐसा ही है, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा स्टीयरिंग के ऊपर वेट है, तो आप ये आपको कॉन्फिडेंस रहता है, हल्का नहीं है। हाँ, अब जैसे कि आप पंजा दबाया तो अब
डलते ही गाड़ी की सौ पहुंचने फील ही बदल गई थी। नहीं, गाड़ी की फील ही बदल गई। मतलब ट्रैक्शन कैसी लगी है अभी जैसे सौ पे थोड़ी? ट्रैक्शन भी ठीक ही है गाड़ी की। यार गाड़ी तो बढ़िया है ही है, इनलाइन जो है जैसे टर्बो रेंज में आ रही है। ये देख इसका मुझे वैसा सा ही हाल लग रहा है जैसे फॉक्सवैगन का 1 लीटर नहीं आता, कि ऐसा लगता है इंजन थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। वो जो 3 सिलेंडर की लिमिटेशंस होती है कहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है जो इसका टर्बो है। टर्बो है, बस ये है कि हाँ कि 90 के आसपास जाके हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता कि 170 तक लेके गए। हाँ, जाएगी तो ये इससे भी ऊपर 190 भी चली जाएगी। 190 भी चली जाएगी। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि बंदे को ना ऐसे या तो बिल्कुल ही खाली सड़क है। हाँ, तो सुन कर दिया इसके इसी ने तो। बहुत ही लाजवाब है इसी। भाई साहब शांति नहीं हो रहा। बाकी यार 1 लीटर के हिसाब से काफी अच्छी है, बहुत अच्छी पावर है। और अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाल के रखोगे फिर तो कोई लैग लुक भी नहीं है। मुझे लग रहा है क्योंकि एक तो ये ऊंची लग रही है और ऊपर से इसके सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है। कुछ खास नहीं है बॉडी रोल, सबसे अच्छी चीज जो है ना, एक तो इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है, दूसरा स्टेयरिंग पे वेट है इसके जो बहुत अच्छी चीज लग रही है। जबरदस्ती अपने आप ही नहीं घूमी जा रहा स्टेयरिंग में भाई साहब। तीसरा इसका एसी, ये बंद ही कर दो थोड़ी देर, ये एक नंबर पे भी शांत नहीं हो रहा। अब जैसा टर्बो रेंज में आई है ऐसा कोई खास बॉडी रोल भी नहीं है। नहीं, बॉडी रोल भी कंट्रोल है, ना के बराबर है, लेकिन मुझे इसके सस्पेंशन फिर भी काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मतलब बस सिर्फ ये है कि अगर आपको सडन पिकअप लेनी है ना, चाहे वो स्पोर्ट्स मोड है, आपको हल्का सा एक वेट करना पड़ता है, डिले थोड़ा हल्का सा डिले शुरू में आएगा। हाँ, लेकिन जब वो आता है ना तो वो फिर फराटेदार ही आता है इसका जो वो है। ये देख हाईर रेंज और कंट्रोल में बड़ी सही आ रही है। ट्रैक्शन लाजवाब काम कर रहा था, उधर नहीं पता चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा है ट्रैक्शन जो है। बाकी अगर कोई खुली रोड मिलती है तो एक बारी थोड़ा सा इसको, मतलब अगर आज कोई वेन्यू के अनलाइन पे जा रहा तो उसका डिसीजन गलत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करके उसको ज्यादा फीचर्स और ज्यादा बेटर ड्राइव क्वालिटी मिल रही है। अक्सर हुंडई की गाड़ियां ऐसी चलती नहीं है जिस हिसाब से एनलाइन चल रही है। इवन इनकी i20 एनलाइन भी है, ऐसी नहीं चल रही थी। आपने म्यूजिक सिस्टम इसका सुनिएगा फिर बताइए। सुनते हैं अभी म्यूजिक, सुनते हैं म्यूजिक। बोस का आता है इसमें? नहीं, बोस का नहीं है, इनका अपना है, लेकिन वो बोस को टक्कर देगा। अच्छा, बस ये है कि आप जैसे जर्मन कार्स को ऐसे लट्टू की तरह ऐसे ऐसे घुमा सकते हो ना, पर वो थोड़ा सा उस समय आपको एक कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है। जैसे तो खैर किसी ने चलानी नहीं होती है अक्सर जो है आमतौर पे गाड़ी जो है, बाकी ड्राइविंग के अंदर पूरे नंबर है गाड़ी को। फीचर के नाम पे भी इसमें लगभग सारी चीज है। वेंटिलेटर सीट को छोड़ दो, सब आपको पावर्ड सीट ड्राइवर की कोई नहीं देगा। सही बात है, कहीं से भी अंडर पावर नहीं लग रही है गाड़ी की। लोगों को एक्चुअली मिथ बड़ा है कि 1000 सीसी है ये गाड़ी, 1000 सीसी नहीं भाई, टर्बो है इसके अंदर। सही बात है, और जब टर्बो एक्टिवेट होता है ना तो ये 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज्यादा छोड़ देता, उसको छोड़ देता। नॉर्मल मोड पे भी बहुत बढ़िया चल रही है, अगर आपको सिटी में चलानी है आप नॉर्मल मोड पे चलाओ। पसंद आ रही है मतलब ये गाड़ी? हाँ, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, जो बोनट दिखता है, और वैसे भी आप ना बड़ी कमांडिंग सी पोजीशन पे बैठे हो, मतलब ये भी बढ़िया लग रहा है इसके आयर व्यू में। हाँ, आपको थोड़ी एसयूवी वाली फील भी आ रही है कि आप थोड़ी ऊंची फूंची गाड़ी में बैठे हुए हो, ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने चलाई वेन्यू की ऑनलाइन, तो क्या इंप्रेशन लगे? एक इनिशियल लैग को छोड़ के गाड़ी में कहीं पे कोई कमी नहीं है। जो इनिशियल टर्बो लैग आता है, टर्बो लैग है, जिनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए वो जरूर जा सकते हैं एनलाइन के ऊपर, क्योंकि इनके जो टर्बो इंजन है वो लाजवाब है। सही बात है, डायनामिक्स आपको नॉर्मल गाड़ी से बेटर नजर आएंगे इसके।
गियर बॉक्स भी काफी अच्छा खासा है। हाँ, गियर बॉक्स तो एडीसीटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। बस शुरू में जो एक ड्रॉबैक लगा, जो थोड़ा सा लैग आता ना, वो कहीं ना कहीं खलता है बंदे को, कि अचानक से कहीं ओवरटेक लेना तो उसका हल्का सा कॉन्फिडेंस लूज होता है यार, पता नहीं एक्टिवेट प्रॉपरली हो जाए। पंजा बहुत ज्यादा दबाना पड़ रहा। बाकी ये है कि जब ये अपने शबाब पे आनी शुरू होती है ना, टर्बो रेंज में आ जाती है, उसके बाद तो फिर उड़ाते जाओ। मेरे हिसाब से गाड़ी में क्या है, सिटी में इसमें काफी लैग आएगा, लेकिन हाईवे पे आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि वो उसमें क्या है टर्बो रेंज में ही गाड़ी रहेगी। लेकिन ये कि हाँ, हैबिट हो जाती है आपको थोड़ा सा, उस हिसाब से आप हो जाते हैं चलाते चलाते, आप हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जो परफॉर्मेंस के शौकीन है वो जरूर जा सकते हैं इनलाइन के ऊपर। हुंडई के इंजन तो यार तो पता ही है कि सब कुछ ही मिलता है इसमें, क्वालिटी वाइज ये वो। लेकिन सिटी में इसमें क्या है, जैसे मान लो आप चला रहे हो, कोई ब्रेकर आया या आपने गाड़ी यूटर्न ली, तो आपको उस पॉइंट पे लगेगा कि ना गाड़ी बंद सी हो गई, आपको आधे से ज्यादा पंजा दबाना पड़ेगा, तब आपको लगेगा गाड़ी धीरे धीरे उठ रही है, वो बहुत बड़ा इसका। बाकी ये ब्रेक्स लाजवाब है, ब्रेक्स बहुत ही, एसी की कूलिंग ठंड लग रही है गाड़ी में बैठ के इस समय, एक नंबर, ये देख लो एक नंबर पे चल रहा है। दिल्ली में इस समय लगभग 37-38-40 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम लाजवाब है गाड़ी का, लेदर सीट, ऑटो डिमिंग, सब कुछ ही मिल जाता है ये इसमें, ऑटो डिमिंग, डैश कैम इनबिल्ट। इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों काफी बढ़िया लग रही है, मतलब हुंडई की अगर हम बाकी गाड़ियां देखें ना, उससे काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी लग रही है इसकी, स्पोर्टी फील है, मतलब गाड़ी की कहने का ये मतलब है। जैसे जो लाल लाल स्टिचिंग है, देखो कमियां तो लक्ष्य हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होती है, बिल्कुल। लेकिन ये कि एन सीरीज जो है इनकी ना, हुंडई की, ये इनकी नॉर्मल गाड़ियों से बहुत बहुत बेटर, सुपीरियर है, मतलब ये प्रॉपर आपको महसूस होगा वो चला के, उसके लिए आपको टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से एन सीरीज जो है वो काफी जल्दी अवेलेबल भी हो जाती है, क्योंकि डिमांड भी थोड़ी सी कम है एन सीरीज की जो है। डिस्काउंट भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, अगर आप डीलर के साथ थोड़ा सा नेगोशिएट करोगे तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल सकता है इसके अंदर। हुंडई वालों वरना में भी जल्दी लाओ एनलाइन 1.5 टर्बो इंजन के क्रेटा में भी आने वाली है, क्रेटा तो पुराने वाला हो गई। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की वीडियो आपके लिए, मैं हुंडई वेन्यू एनलाइन का रिव्यू लाया। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज़, 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, 30,000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से। तो थैंक यू सो मच।